हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आद्या श्रीवास्तव। सो एज यू नो, मॉनसून का सीज़न चल रहा है एंड बहुत सारे लोगों को हेयर ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। काफ़ी ड्राई हो जाते हैं बाल, हेयर फॉल भी बढ़ जाते हैं। मुझे भी कुछ टाइम पहले बहुत ही दिक्कत हो रही थी, काफ़ी हेयर फॉल हो रहे थे। सो आई केम अक्रॉस DIY जिसमें मैं एक सोप बताऊँगी आपको। उस सोप में बिल्कुल ही नेचुरल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे। आप वो सोप अल्टरनेट डेज में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही माइल्ड है और आप चाहो तो रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हर्बल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इसमें जो हेल्प करेंगे आपकी हेयर ग्रोथ में एंड काफ़ी मॉइस्चराइज रखेंगे हेयर को। अगर आपको मॉनसून में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है वो भी चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं हाफ टी स्पून रीठा ले रही हूँ, देन हाफ टी स्पून आंवला पाउडर, देन हाफ टी स्पून शिकाकाई पाउडर। अब मैं लूंगी हाफ टी स्पून हिबिस्कस पाउडर एंड लास्ट में हाफ टी स्पून भृंगराज पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है बॉल में। अब मैं सोप बेस ले रही हूँ, ये एलोवेरा सोप बेस है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहो तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। इसको मैं पतीले में रख रही हूँ। अब मैं इसको ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब ये जो पाउडर मैंने प्रिपेयर किया था इसको मैं इस मेल्टेड सोप बेस में डाल दूंगी। ध्यान रहे इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना आए। अब इसमें मैं 5 to 6 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिक्स कर रही हूँ। टी ट्री ऑयल डैंड्रफ हटाने के लिए यूज़ होता है और बहुत ही अच्छा होता है इची स्कैल्प के लिए। अब मैं इसको सोप मोल्ड में डाल दूंगी। ये प्रिपरेशन थोड़ी सी कम पड़ गई है इसलिए मैंने फिर से दोबारा से प्रिपेयर किया है बाकी सोप मोल्ड में फिल करने के लिए। मैंने सिलिकॉन सोप मोल्ड को 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। आप देख सकते हैं सोप अच्छे से जम चुके हैं, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। सो गाइस, हमारा सोप प्रिपेयर हो चुका है। सो गाइस, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। बहुत ही नेचुरल तरीके से ये सोप बना है। आप अल्टरनेट डेज में इसको यूज़ करो और आप खुद कुछ दिन में डिफरेंस देखोगे। आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाएगी और अगर आपके हेयर्स में ड्राइनेस है वो भी काफ़ी हद तक चली जाएगी और हेयर फॉल भी काफ़ी कम हो जाएगा। वेल, मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं है, इट्स माई पर्सनल चॉइस। मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने बाल कट करती हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर्स मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। सो आई लाइक शॉर्ट हेयर्स एंड मेरे हेयर्स केमिकली ट्रीटेड हैं, उसके बाद भी मुझे हेयर फॉल्स की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है एंड ड्राइनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। मैं बहुत ही टाइम से ये सोप यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही माइल्ड है एंड बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। इसके बाद आप चाहो तो कोई माइल्ड सा कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। वेल, मुझे कंडीशनर की ज़रूरत फील नहीं होती है, मैं वीकली मास्क यूज़ करती हूँ। बट आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है हेयर ड्राई हो रहे हैं या ड्राई हो गए हैं वॉश करने के बाद, तो आप माइल्ड सा कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप मुझे टॉपिक शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो कि मैं किस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। सो गाइस, सी यू देन, टेक केयर।